दो जगह चुनाव हुए हैं, दो जगह होने हैं, उसके पहले एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पर मुझे लगता है कि बहराइच का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, जो गौतम साहब ने विस्तार से कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि कितने हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन चलाया, आप लोग को भी बुलाया बार बार, और चुनाव आयोग चुनाव के बाद सारे मीडिया वालों का, आप लोग का और हम लोग का, सबका मजाक उड़ा रहा था, सब मजाक उड़ा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आज हरियाणा से जो रिजल्ट आया है और जिस तरह के हेरा फेरी के दृष्टांत वहाँ पे एग्जांपल्स आए हैं, 99% 90 से ज़्यादा चार्ज है मशीन। मैं तो कहता हूँ जहाँ पे आपका जो मशीन लगता है ना, इन आउट आने वाला, क्या बोलते हैं उसको, पंचिंग मशीन जो है, कुछ और बोलते हैं, ध्यान से उतर गया, उसमें दिन भर खाली वकील जज लोग खाली हाथ लगा के देखे, बायोमेट्रिक लगा के देखे बैटरी कितना खत्म होता है कितना नहीं खत्म होता है, इसी से टेस्टिंग हो जाए। जब हजारों की संख्या में वोट्स पड़ रहे हैं तब भी इतना चार्ज रहना, ये किस ओर इशारा करता है? तो हम लोग तो पहले से आश्वस्त हैं कि इसमें धांधली होती है, मशीन भी बदले जाते हैं, हेरा फेरी भी होती है, सब तरह की धांधली होती है। जब इतना हाई प्रोफाइल आप चुनाव लड़वा रहे हैं, आप CCTV क्यों नहीं लगाते हैं? स्ट्रांग रूम में भी CCTV होना चाहिए, नहीं रहता है, स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ क्यों? पब्लिक डोमेन में बाहर लगाइए, एक घंटा के लिए लाइट चली जाए, नहीं लाइट कैसे जाएगी? आप उसका इंतजाम करिए और पब्लिक डोमेन में रखिए, हर बूथ पर स्ट्रांग रूम पर CCTV कैमरे लगे और डिस्प्ले होता रहे 24 घंटे तक, जब तक कि काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए। VVPAT, इसका सवाल हम लोगों ने बार बार उठाया, भाई वोट हम दे रहे हैं तो हमारा वोट किधर गया? कम से कम मेरे हाथ में देखने तो दो, देख के हम डब्बे में डालेंगे, तो वो कर रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, लाखों लाख रुपया जो है बैंक वाला 2 मिनट में गिन देता है वहाँ पर मशीन लगा के, 2 मिनट में, 1 घंटा में कितना लाख गिन देगा वो, और इनको वोट गिनने में खाली टाइम लग रहा है। लगता है कि और दुनिया में कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, खाली भारत में ही चुनाव हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है, UK में नहीं हो रहा है, जर्मनी में नहीं हो रहा है। तो पूरे चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हाई हैंडेडनेस दिखा रही है, उससे लग रहा है कि दाल ही नहीं पूरी दाल काली है, तो इनसे हम क्या उम्मीद करें? लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको MLA MP मिनिस्टर बनना है, सरकार बनाना है, वो इलेक्शन के बाद क्यों इस पर सवाल उठाते हैं? बार बार लगातार हम लोग कहते रहे कि लोग कम से कम आप टेस्टिंग करिए, लोग को देखिए कि इसके खिलाफ लोग सड़क पे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो राजनीतिक दलों ने आंदोलन किसी भी मुद्दों पर आंदोलन करना बंद कर दिया। हमारी शिकायत ये है कि रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, सांप्रदायिक हिंसा का सवाल हो, चुनावी प्रक्रिया में धांधली का सवाल हो, किसी मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने पूरा आंदोलन करना, लोगों को मोबिलाइज करना, लोगों को पॉलिटिसाइज करना, किस मुद्दे पर सड़क पे आओ, ये बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को फिर से सोचना चाहिए। 2 राज्य में चुनाव है, एक झारखंड, जैसा कि सूरज जी ने कहा, महाराष्ट्र, झारखंड में कुछ एरिया नक्सल प्रभावित थे, मैं थे कह रहा हूँ, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया, गढ़चिरौली और तमाम जो एरिया है वो भी नक्सल प्रभावित थे, जो पूरा हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ, तेलंगाना से जुड़ा हुआ एरिया वो भी थे। लेकिन जहाँ 288 सीट विधायक का है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे लार्जेस्ट, UP के बाद सबसे लार्जेस्ट है, और वहाँ पे एक फेज में चुनाव हो रहा है, और जहाँ पे 81 सीट है झारखंड में, वहाँ पे 2 फेज में चुनाव हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण मुझे लगता है शायद चुनाव आयोग ने नहीं दिया, बाद में फैब्रिकेट भी कर लेंगे, तो ये भी सवाल खड़े करता है। आग्रह मेरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर से अपोजिशन पार्टीज, जिन्हें चुनाव लड़ना है, सरकार बनाना है, इस पर क्लियर कट एज ए क्रुसेड इस पर पोजिशनिंग करे, एक आंदोलन की तैयारी करे, चुनाव बायकॉट करे, इंटरनेशनल फोरम पे उठे मसला, देश में आंदोलन हो, लोग सड़कों पे आए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहे हैं, और वो तो धांधली जितनी हो तो आंकड़ों के साथ लोग आ गए। तो इससे ज़्यादा इस सोशल मीडिया के ज़माने में, एक अब देखिए 3 दिन तक कुछ और चल रहा था बहराइच को लेकर, लेकिन एक वीडियो कल से आया, कल से वायरल हो रहा है पूरा, फिर मामला कुछ और हो गया। तो ये तमाम ये घालमेल है, ये सरकार और तमाम मशीनरी है उसका घालमेल है, और मुझे लगता है कि खास तौर से चुनाव, वैसे सांप्रदायिक हिंसा से बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो अमेरिका, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, और जो लोग दंगा में मारे जा रहे हैं, चाहे जो विक्टिम हो रहे हैं, वो सब चाहे किसी कास्ट कम्युनिटी का हो, सब गरीब लोग ही, कोई राजा महाराजा नवाब के घर का नहीं, तो वो जो है सब गरीब लोग ही हैं। तो इन लोग, इससे आप दूर रहिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग बार बार रिपीटेडली ये बात कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक या धार्मिक उन्माद या हिंसा नहीं है,
वो बेसिकली पॉलिटिकल यूएसपी है। कुछ लोगों को राजनीति की रोटी उस पर सेकनी है, इसलिए टाइम टू टाइम बीच बीच में आप देखेंगे कि इस तरह के उन्माद जानबूझकर भड़काए जाते हैं। सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। अगर आज राहत इंदौरी होते तो क्या लिखते हैं, बोले मोहल्ले में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। और बहराइच का जो घटनाक्रम है मुझे मुजफ्फरनगर याद आ रहा है कि उस समय अमित शाह जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे और मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था, जो वायलेंस हुआ था, उसके बाद किस तरह से कम्युनल एटमॉस्फेयर बनाया गया उत्तर प्रदेश में हमें याद है। उसका रिजल्ट क्या हुआ आप सब देख सकते हैं। हम लोग तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहराइच को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस ने भी अपनी गलती मानी है। हम लोग दिल्ली में जब बैठते हैं तो एक छोटा सा धरना प्रदर्शन कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय गेट पर हो, चाहे जंतर मंतर पर हो, चाहे कहीं भी हो, पुलिस से परमिशन लेते हैं। कम से कम दसियों बार पुलिस और IBCID के लोग फ़ोन करते हैं हमसे, कितने लोग होंगे, कौन लोग बोलेंगे, तमाम इस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। जब यह पता था कि भाई ये दुर्गा पूजा विसर्जन होना है और इतना सेंसिटिव मामला है, तो रूट किसने बनाया उधर से, और रूट बनाया या नहीं बनाया पुलिस, वो जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि जिसपे एक घर पे चढ़ के एक लड़का वहाँ से हरा झंडा उतार रहा है, उसके जगह भगवा लहरा रहा है, क्या पुलिस वहाँ पे नहीं थी? लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे, पुलिस नहीं थी वहाँ पर। अगर पुलिस नहीं थी तो इससे लगता है कि इसमें कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं से प्रायोजित है। इसलिए हम पहले तो सबसे पहले एक जुडिशियल इंक्वायरी या CBI इंक्वायरी की मांग करते हैं। इस पर निष्पक्ष जो है तरीके से इस पर एक तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन हो कि पुलिस आखिर क्या कर रही थी वहाँ पर, एक बच्चे की वहाँ पे हत्या भी हो गई, क्या कर रही थी पुलिस। तो इसलिए चुनाव के पहले इस तरह से हिंदू मुस्लिम कराना, तो मैं सबसे पहले अपील करता हूँ कि जो भी शांति अमन पसंद लोग हैं इस तरह, जिनको रक्षा करनी है धर्म की, उनको करने दें। आप अपने घर में रहें और ख़ास तौर से विशेष रूप से जो दलित पिछड़े समुदाय के लोग हैं, अपने शिक्षा पर, अपने पढ़ाई लिखाई पर, अपने आर्थिक उन्नति पे, नौकरी पेशा पे ध्यान दीजिए, इस तरह के धार्मिक उन्माद से बचें। तो वो तो बार बार यही कहते हैं कि मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं, मशीन में गड़बड़ी थोड़ी होता है, वो तो आदमी के दिमाग में गड़बड़ी होता है। मशीन तो ठीक ही रहता है, अब दिमाग ही में चोर बैठ जाए। प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग करके भी बेईमानी होती है। सुनो, ऐसा है देश में आज ये माहौल है, किसी भी नए बच्चे का आर या रह से नाम लिखवाने के लिए भी कोई अंधविश्वास में अगर कर लेता विश्वास, तब भी कोई राजीव कुमार नाम नहीं रख रहा देश में। इतना बदनाम हो गया राजीव कुमार नाम, राजीव का मतलब हो गया आज देशद्रोही, धोखेबाज, मक्कार, मदारी का बंदर और क्या क्या शब्द कहें। इसलिए राजीव नाम से भी नफरत हो गई पूरे देश को। क्यों हुई, किसका नाम है राजीव? इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन जो बेहूदी बातें करता है, नॉनसेंस बातें करता है। अगर वो ये बातें समाज में करता, आम समाज में, तो समाज उसका इलाज करता। अब उसको जड़ श्रेणी की सुरक्षा दे के इसलिए किया हुआ है कि बेटा तुम जड़ श्रेणी की सुरक्षा में रहो, जो बकवास करनी, जो हम तुम्हें स्क्रिप्टेड चीज़ें देते हैं बताते हैं, वो बकवास करो देश के सामने, देश को मूर्ख बनाओ। और दूसरा, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, वहाँ भी हमने जुगाड़ कर रखा है। ये है एक तरह से आदेश, ये है एक तरह से, आप लोगों को मैं बताऊँ अंदर की बात, जो बीजेपी या बीजेपी के जो आका हैं, और खासतौर पर आका कौन है आजकल, किसी से पूछ लो, बीजेपी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी, वहाँ एक दो आदमी का कब्जा है, पूरी बंधक और नपुंसक हो गई है बीजेपी। उसके लीडर भी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, देश के हक में बोलना चाहते हैं वो लोग। वो हरियाणा के इलेक्शन से भी व्याकुल हैं बहुत सारे बीजेपी के लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो चाहते हैं, मगर वो डेमोक्रेसी के इतनी नपुंसकता का शिकार हो गई बीजेपी, बोल ही नहीं पा रही। कि जो अभी दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इस पर भी संदेह का क्या घेरा है कि जहां पर बहुत सारी सीटें हैं, महाराष्ट्र, वहां एक चरण में चुनाव हो रहा है, झारखंड जहां अभी कोई ऐसा वैधानिक स्थिति नहीं है, ना कोई वहां पर माओइस्ट या किसी प्रकार का कोई खतरा है, वहां सिर्फ 81 सीटों में दो चरणों में चुनाव हो रहा है। और इससे हमें लगता है कि फिर से उसी प्रकार का जो चुनावी गुंडागर्दी जो हुआ हरियाणा में, वही उसका, और जो देश में हुआ जिसका वकील साहब ने कहा, बलराज मलिक साहब ने, वो फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव को
कि गिनती को रोक दिया गया और ऐसा लग रहा था कि उसका प्रभाव हरियाणा के चुनाव पर भी पड़ सकता है उस परिणाम का, और उसको कोर्ट के माध्यम से कुछ ऐसे कारणों से और दिल्ली विश्वविद्यालय के सुझाव पर वो रोका गया। तो अब 21 तारीख को डेट्स है सर, देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से हम लोग सब संबंधित रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी वहाँ पढ़े भी हैं और वहाँ के सभी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। छात्र संघ चुनाव